नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, लगभग 6-7 दिन कोटा में अपने भाभी के घर पे यहाँ पे बिताए हैं। 2-3 दिन तो मस्त आराम किए हैं, सोए हैं, बाकी 2 दिन घूमे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अब यहाँ की जर्नी अब एंड हो गई हमारी, अब आगे बढ़ रहे हैं एमपी में। अब चलेंगे राजस्थान की जर्नी, यहाँ के साथ साथ कोटा के साथ साथ राजस्थान की जर्नी एंड करके हम एमपी में चलेंगे। एमपी में हमारा फर्स्ट प्लेस है जो है ग्वालियर, तो ग्वालियर तरफ हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल देखिए बैग रेडी है, सब कुछ रेडी है। दोस्तों फिलहाल ये भाभी के छोटे भाई हैं, 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। 3 भाइयों क्या, 3 भाई 1 बहन में सबसे छोटे हैं। इनका नाम अमित है और ये रही बिट्टी। तो बिट्टी किसी रूम पा दे दो, पा दे दो, पा दे दो। हाँ, फिलहाल अभी पता नहीं क्यों चिड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब इनके साथ आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल भाभी के पिताजी किसी साथ और बनाओ ए नैन्सी है। नैन्सी हालांकि पहचान गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, अब कोई दिक्कत नहीं ना है? आए देखो, आप देख सकते हो, देखो आप पहचान गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग अब हो गई है। दोस्तों फिलहाल मैंने बताना भूल गया, ये अमित भाई जो हैं भाभी के सबसे छोटे भाई, ये नेशनल स्तर के प्लेयर भी हैं क्रिकेट के। हालांकि कुछ इंजरी हो गई थी पैर में, हालांकि इसे 6-7 महीने परेशान थे, तो क्रिकेट से 6-7 महीने दूर हैं। और इस समय एमपीएड बीपीएड के बाद एमपीएड फाइनल किए हैं। एमपीएड फाइनल का एग्जाम दिया अपना, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर बीपीएड के बाद एमपीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है इनका। इंजरी की वजह से परेशानी के पैर में इंजरी हो गई थी 6-7 महीने से, हालांकि दिल्ली से जयपुर दिल्ली तक के दवा किए हैं, तो इसी वजह से क्रिकेट से थोड़ा सा इस समय दूरी बनाए हैं। नहीं तो नेशनल स्तर के प्लेयर हैं अमित जी। फिलहाल मैं एक टाइम पे सोचा था करना चाह, लेकिन मैं तो किया नहीं, हो नहीं पाया, सपोर्ट नहीं मिला। तो फिलहाल इनके फैमिली से भी इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए सही है। बस इनको इंजरीज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि आप फिर वापसी करें, अच्छी वापसी के साथ, और काफ़ी आगे तक जाएं और लोग देखें। थैंक दोस्तों, छोटे बच्चे कोई भी हो अपने धुन में मस्त रहते हैं। ये भी अभी अपने धुन में मस्त हैं। चिकू जी, क्यों चिकू, हाँ क्या कह रही हो? ये देखिए फिलहाल भाभी के पिताजी और ये भाभी की मम्मी फिलहाल, और ये मतलब भाभी के पापा जो हैं, इन्हें बहुत प्यार से हमेशा कोई भी काम रहता है इन्हें पूछते रहते हैं। इनकी अच्छी दोस्त मिस अच्छी बॉन्डिंग है, और अच्छे पड़ोसी भी हैं ये लोग, जो कि ये राजस्थान से हैं। देखिए इनका ट्रेडिशनल पहनावा जो है राजस्थानी, वो यहाँ पे दिख सकता है आपको। तो खैर, आप को हमारी जर्नी कैसी लगी? हमारी जर्नी के बारे में आप जानते हो? मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, जानते हो? तो बताओ हमारी जर्नी कैसी लगी? वीडियो आपने वीडियो देखा कि नहीं? आप वीडियो कहाँ भी देखोगे? चलिए आप वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, ठीक ना? ठीक, और आपकी वीडियो भी मैं डालूँगा। ठीक दोस्तों, फिलहाल घर से बाहर भाभी के पिताजी हमें रोड पे छोड़ने चल रहे हैं। तो अपने उनके बहुत ही पुराने बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, जो कि जब से यहाँ पर रहे हैं लगभग सन 84 से शायद, तब से इनके पुराने फ्रेंड्स हैं। तो देखिए ये पूरा मिला रहे हैं फैमिली के साथ, ये हैं उनके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स दीपक, हाँ इनका नाम दीपक जी है। तो फिलहाल देखिए ये पूरे अपने फैमिली से हमें मिला रहे हैं इनकी, आप देख सकते हैं कि ये प्यारी सी फैमिली है। ये दो भाई फिलहाल हैं, दोनों लोगों की फैमिली है, तीन भाई हैं, तीन भाई, देखिए हम दो भाई अभी बताएं, 3 भाई हैं और तीनों लोगों की यहाँ फैमिली है। और फिलहाल ये देखिए, और इनका एक छोटा सा, अच्छा आपके बेटे हैं? हाँ। जी, और आपके भाई कौन से हैं? ये मेरे बाद ये उससे छोटा। अच्छा, देखिए सबसे बड़े ये हैं, फिर उनसे पीछे वो, फिर वो बताएं। अच्छा अच्छा ये इनके दीदी जीजा जी हैं। तो देखिए फिलहाल इनकी यही फैमिली है, बहुत ही इनके क्लोज फ्रेंड हैं, तो उनसे मिलाने हमें लाए हैं। और देखिए इनका छोटा सा प्यारा सा घर है जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं। इनका रोजगार इनके मित्र का, ये पानी का आर ओ का काम करते हैं, ये सप्लाई करते हैं पानी। उनकी अंदर इसमें मशीन फिट है और बाहर ये टंकी लगी हुई है। और देखिए सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि सिटी में रहते हुए भी ये घर की सब्जी खा रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा या इनका ये इनका आइडिया है, और जो कि बहुत बढ़िया है। और फिलहाल इनका घर का काम चल रहा है, तो सामान थोड़ा सा फैला पड़ा है, ये घर तोड़ के अभी नया बनाएंगे ये लोग।
तो फिलहाल अब कहे हैं कि चलो घर नया बना लेना, तो जब पूजा वूजा करवाना तो हमें बुलाना, हम भंडारा खाने में बहुत तेज हैं तो कहीं है जरूर बुलाएगा। अब देखिए नहीं बुला, जब नहीं है भंडारे में बुलाएंगे तो भाई इनके पे आप बताइए कितना जुर्माना लगाया जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल देखिए इधर भी देखिए सब्जी लगाए हैं, ये चीज़ बहुत अच्छा है, सिटी में रहते हुए देसी चीज़ जो है वो होना चाहिए आदमी में। दोस्तों फिलहाल भाभी के पिताजी मेन रोड पे यहाँ पे लाकर फोर लेन पे हमें छोड़ दिए, यहाँ से मिजी से आगे जा सकते हैं। ये इनकी यहाँ पे चौथी पांचवी पीढ़ी, मतलब हमारे भाभी जो है चौथी जनरेशन में यहाँ पे हैं कोटा में, और उनके उन लोगों के जो बच्चे होंगे वो पांचवी जनरेशन में यहाँ पे होंगे। अब सोचिए काफ़ी पहले से यहाँ पे रहते हैं लोग। ये तीन भाई हैं, तीन भाई प्रेजेंट में यहीं पे, इनकी सिस्टर हैं वो भी यहीं पे, इनकी मौसी भी यहीं पे हैं, तो ये काफ़ी पहले से लोग यहाँ पे निवास करते हैं सोचिए ये यहाँ के एक तरीके से लोकल लोग हैं। खैर यहाँ पे अब छोड़ दिए तो अब यहाँ से आगे की जर्नी हमारे लिए ईजी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी फैमिली इनकी है, काफ़ी सपोर्टिव हैं लोग, तो फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि हाँ हम 6-7 दिन यहाँ पे रहे हैं अभी टोटल, जिसमें 2-3 दिन 3-4 दिन तो आराम किए, 2 दिन घूमे ही, और आज यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर दिए ग्वालियर की। दोस्तों हमें ग्वालियर की जर्नी में कोटा से पहली लिफ्ट मिल गई है, जो कि यहाँ तक जाएंगे नियर अबाउट 40-50 किलोमीटर, तो 40-50 किलोमीटर जर्नी बस के माध्यम से कम होगी, जो कि बस में मिली है लिफ्ट हमें। तुरंत ड्राइवर जो थे वो देखे, रोक दिए, बिना कोई सवाल के बैठा लिया और चल रहे हैं आगे। कल बस से हमारी जर्नी जारी है ग्वालियर की तरफ की। दिल के जज्बा दोस्तों फिलहाल बस से हम तो 12 तक आ गए थे, और 12 से 12 में दर्शन मंदिर मार्केट में आ गए, हम ध्यान नहीं दिए बाईपास पर नहीं उतरे। फिर 12 से बाईपास पर आने के लिए हम लिफ्ट मांग रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और लिफ्ट मांग रहे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये भाई लोग मिले, फिलहाल इनके बड़े भाई हैं आ रहे थे, ये भाई लोग हमें लिफ्ट दिए थे। इनके साथ आगे हम आए हैं, एक कौन सी जगह है, किशनगंज, जो कि वहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे है, 10-15 किलोमीटर आगे, और 12 से हमारी जर्नी कट चुकी है। तो उन इन लोगों के साथ यहाँ पे किशनगंज आ चुके हैं, और भाई बैठाए तो खाना पानी को भी पूछे, शोर सी बात है, तो हमने नाश्ता भी वहीं पर किया, खाना भी खाया, तो मैं बताया तो बोले कि नहीं फिर भी चलो आप यहाँ का आपको प्रसिद्ध चीज़ें खिलाते हैं। तो यहाँ पर फेमस कचौरी था 12 का, तो 12 में ले चल के हमें कचौरी खिलाए, हालांकि जो कि पहले से हमारी बुक नहीं थी कोई खास, लेकिन फिर भी भाई के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। ये लोग काफ़ी सपोर्टिव इंसान है, काफ़ी मस्त इन लोगों के साथ हम यहाँ तक आए किशनगंज तक। तो फिलहाल देखिए तीनों भाई लोग एक फ्रेम में, तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे हमारी जर्नी के बारे में? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नी अपनी ब्लॉगिंग करो आप, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गांव नानकपुरा बहुत बड़ा है, हमारा दिल भी उससे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वास्तव में आपका दिल बड़ा है, इट्स नो डाउट, वास्तव में है भी। दोस्तों दो बस और 4 बाइक की मदद से नियर अबाउट 140 किलोमीटर की जर्नी कट चुकी है, और हम इस समय समरानिया, ये जगह है कोई, हमें लगता है MP है कि राजस्थान, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैसेज फोन में नहीं आया है नेटवर्क का, लगभग उस बॉर्डर पे है, या तो MP में पड़ता होगा या तो राजस्थान में, लेकिन समरानिया जगह का नाम है, उसके पास हैं हम। 140 किलोमीटर कोटा से हम चल चुके हैं, और नियर अबाउट यहाँ से 204 किलोमीटर अभी बचा है ग्वालियर, और शाम के बज रहे हैं 4:30, अब ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई है, तो हमें और कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिलहाल लिफ्ट की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, कोई बात नहीं, ट्रक आ रहा है, देखते हैं। मिल गई फाइनली ट्रक में लिफ्ट, जो कि शिवपुरी तक जाएंगे भैया, यहाँ से नियर अबाउट 100 किलोमीटर करीब शिवपुरी है, और वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर करीब रहेगा ग्वालियर। तो देखिए फिलहाल ये भैया हैं, लिफ्ट दिए इन लोगों के साथ चल रहे हैं, और ये भैया हैं ट्रक में चल रहे हैं इन लोगों के साथ, काफ़ी ट्रक जंप कर रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा अलग हो रही है। दोस्तों फिलहाल इस समय हम शिवपुरी में हैं, शिवपुरी को कहते हैं भगवान शिव की नगरी है, तो फिलहाल यहाँ पे इस समय टाइम हो रहा है नियर अबाउट 8 बज रहे हैं। हम कोटा से आए हैं तो शिवपुरी के मेन फोर लेन जो मेन हाईवे है वहाँ पर उतर गए, वहाँ से एक ऑटो वाले भाई थे, लिफ्ट मांग रहे थे, देख रहे थे तो उसे नहीं मिल रही, तो फिर वो आए और उन्होंने हमें शिवपुरी मार्केट में करीब यहाँ से 18-20 किलोमीटर की दूरी होगी
यहाँ तक वो बेचारा हमें लेकर आए और ये बस जा रही है ग्वालियर के लिए, तुरंत यहाँ पे बात करके इसमें बैठाएं। तो यहाँ पे भी मतलब लिफ्ट के तरह बैठा दिए भाई, बस वाले लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे, कोई कुछ नहीं, एक बार भी नहीं कुछ कहें। तो फिलहाल अब इनके साथ हम ग्वालियर चल रहे हैं इस बस में। और ये देखिए पास में कुछ भैया लोग हैं, इन लोगों के साथ हमारी जर्नी जारी है। देखिए आगे बस, एसी बस है ये। फाइनली दोस्तों अपने डेस्टिनेशन यानी ग्वालियर पहुंच चुके हैं और इस समय हो रहे हैं रात के 10:15। तो अब रहने कोई उचित स्थान ढूंढा जाए, पता चला है कि अंदर प्रतीक्षालय है बस स्टैंड में ही। तो अब सोच रहे हैं देखें अंदर क्या स्थिति है, तो अब चलते हैं पता करते हैं, व्यवस्था कुछ करना पड़ेगा ना रहने के। फिलहाल कुछ देखिए, ये बस स्टैंड है और सामने ये मार्केट लगी है। दोस्तों फाइनली हम ग्वालियर बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। ये प्राइवेट बस स्टैंड है, प्राइवेट ही है ना, प्राइवेट ही बस स्टैंड है। और पीछे ये रैन बसेरा है, अस्थाई रैन बसेरा है नगर निगम का। तो अब यहीं भी अब ट्राई करते हैं, अगर मिल जाता है, रहने की सुविधा हो जाती है तो सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। फिलहाल यहाँ पे आए हैं, ठंड लग रही है तो आग जलाए हैं। कुछ भैया लोग हैं यहाँ पे, देखिए इन लोगों के साथ बातचीत भी हो रही है और हाथ भी सेक ले रहे हैं। और कल ग्वालियर घूमने का प्लान भी इन लोगों के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इस समय टाइम हो रही है रात के 10:15। दोस्तों फाइनली हमें यहाँ पे रैन बसेरे में जगह मिल गई है, हमें बेड भी मिल गया, हम यहीं पर सोए हैं, ये हमारा फिलहाल बिस्तर है। और देखिए इधर भैया एक ये अपना आधार कार्ड ले होकर अपना लिख कर हमें इशू कर दिए बेड। तो फिलहाल भाभी ने खाना दिया है तो खाना निकालें, पहले खाना खाया जाए। भाभी हमें खाना दिए हैं, देखिए पूड़ी और सब्जी। तो फिलहाल खाते हैं जो ये टिफिन में, देखिए टिफिन में जो पैक करके दी हैं, इससे मुझे एक बात याद आ रही है। जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, छोटे का लगभग अभी भी, इसके पहले कुछ टाइम पहले, तो हम लोग एक पेन यूज करते हैं, उसका नाम था लिखो फेंको। दरअसल उसमें रिफिल नहीं पड़ती थी दोबारा कि उसको रीयूज कर सकें। तो उसी तरह ये टिफिन भी है, मैंने बोला कि इस टिफिन में न दीजिए, क्या फ़ायदा आखिर में फेंकना पड़ेगा, उसी काम का ये है भी, इसका यूज करके फेंकने वाला है। तो वही ये टिफिन भी है, यूज एंड थ्रो वाली। खैर चलिए खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद आज का रात इस रैन बसेरे में अपना बताया जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलते चलते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।